खबर आपको बता दें, बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी TRE-3 पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में यह पाया है कि बार कोडिंग के पहले ही पेपर लीक हो गया था। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज की जांच में ये बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी प्रेस में छपने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो चुका था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में निकाला गया, जिसके बाद उसे प्रिंट करके अभ्यर्थियों को दिया गया था। फिलहाल ईओयू ADG के स्तर पर गठित SIT इस पूरे मामले की गहन जांच करने में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही सभी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक का ये मामला, जिसमें पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब बताया जा रहा है विशाल चौरसिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही News 18 ने इसका खुलासा कर दिया था। हमने पहले ही आपको बताया था मास्टरमाइंड के बारे में, और देखिए मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हो चुका है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपा था सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपने के लिए भेजा गया था, और यहीं से लीक की बात सामने आ रही है। वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है विशाल चौरसिया, जो इस पूरे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी अब शक के दायरे में है। ईओयू की टीम जो है इन सभी से पूछताछ करने वाली है। तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले गिरोह ने ही शिक्षक बहाली परीक्षा का भी पेपर लीक किया है। यह बहुत बड़ा खुलासा किया गया है ईओयू की टीम की तरफ से। गिरोह ने 500 अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था। खबर यह है कि 10-10 लाख रुपए में परीक्षा में सफलता दिलाने का ठेका लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विशाल और उसका गिरोह पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र छपा था, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपा था। और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट बताते हैं। तो बीपीएससी TRE-3 पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है। सबसे पहली बात, बीपीएससी TRE-3 के पेपर लीक को ईओयू कंफर्म कर चुकी है। ईओयू की टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पेपर लीक हुए हैं। ईओयू अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप चुकी है। ईओयू की जांच में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया था, ये दावा है ईओयू टीम का। जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये जानकारी दी गई है कि बार कोडिंग से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। और शक के घेरे में आयोग और प्रेस पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड जो है विशाल चौरसिया है, ये बताया जा रहा है। सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही News 18 ने ये मामले का खुलासा किया था। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी। प्रिंट बीएससी के कुछ स्टाफ भी जो हैं वो अब शक के दायरे में हैं। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी। और तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के आते ही पेपर लीक होने लग गया। पेपर लीक कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, किसकी गलती है, इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, क्योंकि पेपर लीक बीजेपी और JDU इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। आखिर यह छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो पेपर लीक पर बीजेपी और JDU जवाब दे, और यह कहना है तेजस्वी यादव का। तो पेपर लीक का आखिर किसकी गलती है, कई सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। हालांकि इस पर जवाब देने की बारी बीजेपी और JDU को है, ऐसा तेजस्वी को लगता है। उनका यह कहना है कि इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसकी गलती है, क्या कारण रहे, पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर खुलकर बोलना चाहिए। असल मुद्दा जो है, जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि
भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाए। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा।